दोस्तों रास्ते में ना ये अभी टूट के एक कार वाले का पड़ा है वहाँ सामने, सो कर देते हैं साइड। और पहली वीडियो थी वो उसमें ऐसे निकल के गया था, और दूसरी बार जो शाम के समय निकल के गया वो यहाँ से नीचे की ओर। यह एक मेल स्पॉटेड डियर, उसके एंटलर्स हाँ दिखते रहे, ये अभी निकल रहे हैं। भाई यार टाइगर घूम रहा है, आप यहाँ पे घूम रहे हो, आपको पता है सिचुएशन, पता है कि? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अदीब और ये हमारे छोटे भाई फैसल। तो स्वागत है आपका हमारे वाइल्ड जंगल ड्राइव चैनल में, और आप देख रहे हैं अभी देचौरी रेंज का जंगल जो कि हमारे जस्ट पीछे ही है। यहां से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं और जाएंगे हम जीरो पॉइंट, मेन पॉइंट अपना वही है जीरो पॉइंट, और हो सकता है उससे आगे भी चले जाए, जैसे कि आपने कई वीडियोज़ में देखा है, कभी हम कुमेरिया चले जाते हैं तो कभी मरचूला, हो सकता है उससे आगे भी चले जाए। तो बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसमें सस्पेंस और थ्रिल हमेशा की तरह होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और निकलते हैं जीरो पॉइंट की। यहाँ पर ना एक बर्ड है येलो कलर की, वो देख रहा हूँ मैं इतनी देर से, इधर साइड है, अब वो देखते हैं कैमरे में आएगी नहीं आएगी, आगे साइड है। अच्छा कहाँ पर? उधर साइड, उधर साइड। तो दिखाते हैं आपको ये बर्ड अगर आ सकती है तो। वुड पैकर की आवाज़ सुने, लकड़ी पर अपनी चोंच से होल कर रहा है। येलो वाली तो उड़ गई, ये ब्लैक वाली मिली है उधर वाली। यह है दिख गई, इसकी पूंछ देखे आप, ब्यूटीफुल। एक वुड पैकर ही है, स्मॉल साइज। इन सुंदर आवाज़ों के साथ धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं सुंदर जंगल आपको। ये देखिए ये बच्चे के साथ बैठा है, इनको ना ठंड लग रही है। देखो अपनी पैरों मतलब जांघों के बीच में अपने हाथों को डाल रखा, जैसे हम लोग मतलब हम इंसान डालते हैं वैसे ही। देखो बच्चे पे गुस्सा करती हुई माँ। दोस्तों रास्ते में ना ये अभी टूट के एक कार वाले का पड़ा है वहाँ सामने, सो कर देते हैं साइड ताकि नुकसान ना हो किसी को। ये देखिए ये मिला है अभी, आम डंडा गेट से एंट्री हुई है और जस्ट यहाँ खड़ा है इतना बड़ा साइज का सांबर डियर। सुकून से पत्ते खाने में लगा है, कितना सुकून से पत्ते खाने में लगा है, मस्त। दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, अपने खाने से मतलब है। और गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं, इनको खाने देते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यह है नियर बाई गर्जिया, जो जंगल आप देख रहे हैं यहीं कहीं टाइगर की मूवमेंट चल रही है। और हमारे एक सर हैं जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था अभिषेक सर कि रास्ते में अगर वो जगह पड़ती है जहाँ टाइगर देखा जा रहा है वो आप ज़रूर दिखाएं, तो हम आपको बिल्कुल दिखाएंगे। और बिल्कुल हम उसी जगह पहुंच भी गए हैं। ये एरिया बिल्कुल पानी का एरिया है, यहाँ से पानी पीने के लिए आता होगा वो टाइगर, और वो टाइगर कहाँ से देखा गया है वो ये है एरिया, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वहाँ से टाइगर निकल के गया, और पहली वीडियो थी वो उसमें ऐसे निकल के गया था, और दूसरी बार जो शाम के समय निकल के गया वो यहाँ से नीचे की ओर, या तो शिकार के लिए या तो पानी पीने के लिए, इस वजह से गया होगा। और ये जो पानी का नाला दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर जी, और ये है गेट गर्जिया देवी मंदिर का, यहाँ से जाते हैं लोग, और ये है वो नाला।
तो बढ़ते हैं आगे की ओर, चलिए। और जस्ट ये जो सिचुएशन है आपको देखने को मिली है, ये चौकी है, गर्जिया गेट है यहाँ से जो हमने एंट्री ली है। सबसे छोटा ये है जो पीछे जा रहा है। धूप अच्छी है और शानदार एक मेल दिखा है, ये देखिए, यह है एक मेल स्पॉटेड डियर। इसके जो एंटेलर्स है इस पर अभी स्किन है, इसके ऊपर रेशे रेशे दिख रहे हैं आपको, अभी समझ लीजिए इसके जो एंटेलर्स है इस पर ब्लड सप्लाई चल रही है। ये भी और बढ़ेंगे, इसका साइज और बढ़ेगा, लेकिन ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। जब ये स्किन इसकी हट जाएगी, समझ लीजिए फुल ग्रोन या फुल ग्रोथ हो जाएगी उसके सींगों की, मतलब एंटलर्स की। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी दिक्कत देगी इसलिए, क्योंकि मुझे है थोड़ा सा कोल्ड, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही है तो, लेकिन वीडियो आपको वैसे ही मिलेगी जैसे हम बनाते हैं। देखिए वहाँ से घूमते घूमते वो धीरे धीरे उस ओर पहुँच गया है। ये भी गर्जिया गेट के पास चल रहे हैं और हम वैसे ही बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे ज़ीरो पॉइंट की ओर। रास्ते में जो भी वाइल्ड लाइफ मिलने वाली है वो आपको हम दिखाते रहेंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको चढ़ने देते हैं। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। धूप देखें आप कितनी प्यारी पड़ रही है यहाँ पर, वाओ। जस्ट वो खड़ा है, मन नहीं होता जाने का, अब इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन क्या पता और भी कुछ इंतज़ार कर रहा हो हमारा। तो बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे, चलो। कितना बड़ा था यार साइज उसका, NH 121। तो बोर्ड पर लिखा है वन्य जीव क्षेत्र, जंगल के अंदर कृपया प्रवेश ना करें। जंगल जो है जानवरों का घर है, और ये आ गया पनौद नाला। चार पांच बंदर एक दूसरे की सफाई करते हुए, और एक ही बंदर इसकी नाक पर चोट है हल्की सी। हाँ, ये है स्पॉटेड डियर, साथ ही इनके दोस्त बंदर भी है। इसके एंटेलर आ रहे हैं अभी, नाइस, वाओ, उसके एंटेलर्स हाँ दिख तो रहे हैं, ये अभी निकल रहे हैं, जैसे काकड़ होता है ना मुंटे जैक, वैसे ही सिंह। और कहीं वही वही तो नहीं जो एक दो वीडियो पहले हमें मिला था? हाँ, मुझे भी वही, क्योंकि पनौद नाले के पास मिला था ये, वही हो सकता है शायद, तो हो सकता है ये इसी क्षेत्र में घूम रहा हो, पक्का वही है शायद, ये इतना ही साइज था ना उसका उस दिन, शाम के समय मिला था, आज दिन में मिल गया, तो बढ़िया है। और इनको देखें आप फुल एंजॉय, बच्चा भी साथ में और बगल में हिरन। तो बढ़ते आगे, और माहौल है कुछ यहाँ का ऐसा बिल्कुल शांत। वो भागा, एक और भागा, वो गया आगे, तीन है, चार, एक बच्चा भी है, एक दो तीन। एक बच्चा भी तो था, कहाँ गया? ये है चार, वो दूर है थोड़ा, और भी होंगे, आ रहा धीरे धीरे आगे। हम कोई हरकत नहीं करेंगे, मतलब हिलेंगे नहीं, हम हिलने से वो डर जाएगा ना, चुपचाप ऐसी शांति से वो आता रहेगा आगे। देखो
आपको चट चट की आवाज़ आ रही होगी। रीज़न उसका, ये इलेक्ट्रिक फेंसिंग, इसमें करंट दौड़ रहा है। जी हाँ, इसमें से आवाज़ आ रही है तो मतलब करंट है चालू। वो हिरन दूर है हमसे, हम है रोड पर। पानी पी रहे क्या हिरन? कौन सा वाला? वो आगे जो झुका हुआ है नीचे को, वहाँ पानी जाता है कहीं से शायद। ये जो है शायद पानी पी रहा हो, क्या पता थोड़ा पानी जमा हुआ गड्ढा हो, लेकिन धूप इतनी तेज है पता नहीं, शायद कोई तो स्रोत होगा। हो सकता है ये तो, कोई आ रहा है धीरे धीरे, उसको आने तो आगे। अच्छा हिरन एक बार में कितने लीटर पानी पीता होगा, कुछ आइडिया है किसी को, हमारे सब्सक्राइबर्स को? ये देखिए लिखा है, यू आर पासिंग थ्रू एलिफेंट कॉरिडोर, बी केयरफुल। और मौजूद है यहाँ पर एक स्पॉटेड डियर, जो कि अभी हो सकता है चढ़ते चढ़ते रोड क्रॉस करे शायद। तो जूम करते हैं। गाड़ियाँ रुक नहीं रही हैं तो इसलिए क्रॉस नहीं करेगा, उल्टा वापस हो गया। नहीं है ना मिस्टेक, पहले उनका अधिकार है, कभी सुनता नहीं है, अब तो गाना ले उल्टा हॉर्न दे दिया। क्रॉस करना है वो खिला रहा है। कर गया क्रॉस वहीं से जहाँ लिखा था बोर्ड, वहीं से क्रॉस करके गया वो। वाह, ऐसे मोमेंट बहुत कम मिलते हैं यार। तो आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए इसको क्रॉस कर दिया, मैं इसी का ही वेट कर रहा था। इसीलिए कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ को देखना एक पेशेंस का काम होता है, जब आप रुकेंगे तो आपको अच्छे ऐसे ऐसे मोमेंट मिलेंगे देखने के। बिल्कुल, मैं सोच रहा था कि वो उस साइड से या तो हमारे पीछे से जाता, क्योंकि कॉरिडोर उस साइड था जहाँ हिरन चल रहे थे, लेकिन ये तारों के नीचे से ही क्रॉस कर गया, तो इस हिसाब से टाइगर भी आराम से निकल जाता होगा, है ना। हाथियों के लिए ज़्यादा दिक्कत है बस थोड़ी सी, हाथी जो है पैरों से जो खम्भे हैं सीमेंट के जो बने हुए हैं इनको दबाते हैं तो वो नीचे गिरा देते हैं उनको, और इसमें करंट दौड़ रहा है और हिरन ऐसे ही निकल गया आराम से। कोई नहीं, वो तो खैर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है, माथे से भी गिरा देते हैं और पैरों से भी। देखो सोलर वो लगा हुआ। हम पहुंच गए, ओ भाई साहब ये कहाँ से आ रहे हैं, जो भी है ये वो। हाँ कैमरा तो हाथ में लग रहा है भाई साहब। भाई बोल देते हैं भाई, यार टाइगर घूम रहा है, आप यहाँ पे घूम रहे हो, आपको पता है सिचुएशन, पता है कि सिचुएशन पता है आपको, ये कह रहा हूँ फिर भी। तभी तो आ गए यार, घूम तो रहे हैं। वो देखो ना भाई, भाई यहाँ टाइगर है, वो बहुत बड़ा टाइगर है, वो पता होने के बावजूद गलती कर रहे हो यार। ये एरिया है, जंगल तो है ही, लेकिन ये जो एरिया है जंगल के राजा का है जी। इतना बड़ा टाइगर यहाँ घूम रहा है, जो कि हम आपको दिखा ही चुके हैं, बहुत बड़ा टाइगर है, यही कहीं घूमता हुआ मिल ही जाएगा कभी ना कभी, हो सकता है दोबारा। क्यों कहाँ पर? हाँ वो स्पॉटेड डियर है, एक सेकंड, चलते रहो ऐसे। दो थे, कुछ लोग तो हैं मौजूद वहां पर। पहुंच गए हम 0 पॉइंट पर।